हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल. विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वी आर बैक विद अ क्विज़ फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020. दिस इज़ क्विज़ नंबर 20 और आई होप आपको ये क्विज़ेस अच्छे लग रहे हैं. तो प्लीज़ इन्हें शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमें और ज़्यादा मोटिवेट भी करते रहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो कीप मोटिवेटिंग यू फॉर द एग्जाम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. तो इसमें स्टेटमेंट्स हैं. पहला है, ओनली इंडिविजुअल्स हु आर 60 और अबव द एज ऑफ 60 कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. तो वो इंडिविजुअल्स केवल जो 60 या 60 के ऊपर की उम्र के हैं वही इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. तो हालांकि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो चुके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं और जिनको अभी आदत नहीं हुई है उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए. जैसे यहाँ पे ओनली इंडिविजुअल्स यहाँ पे लिखा हुआ है और एक पर्टिकुलर एज दी हुई है. ओके, तो ये पॉइंट्स आपको मार्क रहे. ज़रूरी नहीं कि ये गलत ही होगा, बट पॉइंट इज़ कि आपको इन पॉइंट्स को, इन छोटे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को नोटिस करना होता है. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, अमंग द वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है. थर्ड स्टेटमेंट इज इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द स्कीम इज फुली टैक्सेबल. अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. आपके ऑप्शंस है 1 एंड 3, 1 ओनली, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3. आंसर्स लिखते जाइएगा, हम साइड बाय साइड डिस्कस करते जाएंगे. देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. सो द आंसर इज सी, दैट इज 2 एंड 3. तो हालांकि इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो 60 या 60 के एज के अबव के लोगों के लिए हैं और ये स्कीम याद रखना 2004 में लॉन्च हुई थी और इसको आप पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक या इंडियन पोस्ट ऑफिस से अवेल कर सकते हो. लेकिन इसमें एक और क्लॉज है, ये नीचे आप पर्पल में देख रहे होंगे कि दोज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स और मोर, अगर वो 55 साल या उससे ज़्यादा के हैं, 60 से कम यानी कि, और वो भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं अगर उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है. अगर वीआरएस लिया हुआ है तो 55 to 60 वाले भी स्कीम को इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा डिफेंस पर्सनल जो कि 50 की एज के ऊपर है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं. तो ये क्लॉजेज आप याद रखिएगा. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली 60 या 60 के ऊपर के लिए है, लेकिन अगर वीआरएस लिए तो 55 to 60 में भी एप्लीकेबल है और डिफेंस पर्सनल के लिए 50 से ऊपर में एप्लीकेबल है. और ये स्टेटमेंट सही था कि ये हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और इसको आप 5 साल के लिए खोल सकते हो और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो फॉर अनदर 3 ईयर्स. और इसमें इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख तक के, 1.5 लाख तक के जो हैं वो एलिजिबल हैं डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. लेकिन जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो फुली टैक्सेबल है. और यदि इनका इंटरेस्ट जो है वो 40,000 से ज़्यादा रहता है फाइनेंशियल ईयर में तो TDS एप्लीकेबल रहेगा ऑन द इंटरेस्ट अर्नड. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं. AEOI जो है ये पीरियोडिक ट्रांसमिशन होता है ऑफ बल्क टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सोर्स कंट्री से रेसिडेंस कंट्री को. सेकेंड स्टेटमेंट है कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है बिटवीन कंट्रीज बिना उनको रिक्वेस्ट किए, मतलब बिना रिक्वेस्ट किए आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहोगे जो कंट्रीज हैं. और तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ यूजुअली कैरीड आउट अंडर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS ऑफ OECD. ठीक है, तो अब आपको सही स्टेटमेंट्स बताने हैं. ऑप्शंस है 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3. स्टेटमेंट्स आप दोबारा देख लीजिए. मैं फिर से कहूँगी कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके स्टेटमेंट्स बार बार पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं हिंट मिल ही जाती है. ओके, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है. तो उसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3. तो अभी स्विट्ज़रलैंड के साथ इंडिया का हुआ था सितंबर 2019 में ये अग्रीमेंट. और अब इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है इट विल रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन ऑल फाइनेंशियल अकाउंट्स हेल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट्स इन स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, और ये सिस्टमैटिक और पीरियोडिक ट्रांसमिशन होता है बल्क ट्रांस टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन का सोर्स कंट्री से जाता है टू द रेसिडेंस कंट्री. ठीक है, और ये है ना DTAs जो होते हैं और MAC यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और मल्टीलैटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर्स, वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है. और ये क्यों किया जाता है, ग्लोबल टैक्स इवेजन को रिड्यूस करने के लिए. और इट इज़ कैरिड आउट अंडर
कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS ऑफ OECD, OECD का CRS है, उसके अंडर ही ये AEOI का उसमें ऑप्शन है. ओके, एंड इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज, वही विदाउट हैविंग टू रिक्वेस्ट इट. थर्ड क्वेश्चन है रिगार्डिंग साइबर डोम. तो पहला स्टेटमेंट है कि ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की प्रीमियर फैसिलिटी है साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए. सेकंड स्टेटमेंट है कि इसने साइबर सर्विलेंस टूल्स बनाए हैं टू डिटेक्ट एंड कन्विक्ट दोज जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल SPIONAGE के लिए. तो इसमें आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन से हैं. तो ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन नॉर टू. आपको जानकारी हो तो ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें. इसका आंसर है बी, यानी टू ओनली. तो साइबर डोम जो है ऐसा लगेगा कि हाँ साइबर रिलेटेड और नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर का ही होगा, लेकिन ये एक इनकॉन्स्पिक्यूस ऑफिस है टेक्नोपार्क कैंपस का तिरुवनंतपुरम में, और ये केरला पुलिस डिपार्टमेंट की प्रीमियर फैसिलिटी है. ठीक है, और वही है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए, ताकि स्टेट का इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बना रहे सही से, और इसमें कई साइबर सर्वेलेंस टूल्स बनाए गए हैं ताकि ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया जा सके जो कि इंडस्ट्रियल एस्पायनेज करें. इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ किया जा रहा है रेडिकल ग्रुप्स पे स्नूप करने के लिए जो कि इंटरनेट का यूज़ करते हैं एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए. ओके, तो केरला में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये वहाँ का इनिशिएटिव है, याद रखना. और इसके अलावा ऐसे कोवर्ट साइबर सर्वेलेंस और इन्फिल्ट्रेशन प्रोग्राम बनाए हैं जिनसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी क्रैकडाउन किया जा सके. ओके, सो दैट वॉज अबाउट साइबर डोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट काठमांडू डिक्लेरेशन. तो ये किससे रिलेटेड है, बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर पता होगा तो. तो ऑप्शंस हैं ए सार्क, बी बिम्स्टेक, सी नॉन अलाइन मूवमेंट, या डी ग्रुप ऑफ 77 यानी G77. तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं. इसका आंसर है बी बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो फोर्थ बिम्स्टेक समिट जो हुई थी ये नेपाल में हुई थी 2018 में, वहाँ पे ये 18 पॉइंट काठमांडू डिक्लेरेशन को कंक्लूड किया गया था. अच्छा, नेक्स्ट समिट कहाँ पे होगी ये आपको मेरे को बताना है, कमेंट्स में बताइएगा. नेक्स्ट समिट जो है वो फिफ्थ बिम्स्टेक समिट, वो कब होगी और कहाँ होगी. ओके, तो ये जो डिक्लेरेशन है ये किस लिए था, टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ बिम्स्टेक बाय एंगेजिंग इन वेरियस टेक्निकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो टेक्निकल इकोनॉमिक का है तो उसी में उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए काठमांडू डिक्लेरेशन था किसका, बिम्स्टेक का. फिफ्थ क्वेश्चन है रिगार्डिंग एस्पर्जर सिंड्रोम. तो इसके स्टेटमेंट्स हैं कि एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है विच इज़ कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सेकेंड है कि जिन लोगों को ये सिंड्रोम होता है वो रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट शो करते हैं. थर्ड है कि इससे ब्रेन सेल्स डिजनरेट होती हैं और दे डाई. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शंस है वन एंड थ्री, वन एंड टू, टू एंड थ्री, या वन टू एंड थ्री. सही आंसर देख लेते हैं. इसका सही आंसर है बी, वन एंड टू. तो एस्पर्जर सिंड्रोम जो है ये डेवलपमेंट डिसऑर्डर है और इसमें सोशल इंटरेक्शन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज जाती है, और आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर देखो, रेपिटेटिव पैटर्न्स देखोगे बिहेवियर के. अब जो ये था ब्रेन सेल्स दे डीजनरेट एंड डाई, ये अल्जाइमर्स डिजीज में होता है जो कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और अल्जाइमर ही डिमेंशिया का कॉमन कॉज भी. और डिमेंशिया क्या है, कंटिन्यूस डिक्लाइन इन थिंकिंग बिहेवियरल और सोशल स्किल्स. ठीक है, जिससे इंसान इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाता है. तो ये तीनों चीज़ें याद रखना, एस्पर्जर सिंड्रोम, अल्जाइमर और डिमेंशिया. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन सिप्री के ऊपर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. पहला स्टेटमेंट है कि एक UN ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है टू रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट. और सेकंड स्टेटमेंट है कि इनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स इन 2014-18. थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है. तो इस आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन. सही आंसर देख लेते हैं. आंसर इज डी, नन. तो सिप्री इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल्स एंड डिसआर्मामेंट,
1966 में स्टैब्लिश हुआ था और ये डेटा एनालिसिस प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया वगैरह के बेस पर. ओके और 15 लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स और उनके मेन सप्लायर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी 2014-18 की, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर इम्पोर्टर है सबसे बड़ा वो सऊदी अरेबिया है, लेकिन इंडिया इज़ ऑन सेकेंड. ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा इनके सप्लायर्स कौन से, तो इंडिया के देखिए सबसे बड़ा सप्लायर आज भी रशिया है, उसके बाद में इसराइल और उसके बाद में यूएस. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ 2014-18. ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है आर्म्स का, और मेजर सप्लायर कौन है उसके, टॉप थ्री रशिया, इसराइल एंड यूएस. वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे. आई होप आपको ये क्विज अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे.